हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नए वीडियो के साथ, दैट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आता है और ये इम्पॉर्टेंट तो है ही है नीट एग्ज़ाम के लिए। सो इसके पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन के उसके चैप्टर्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट वो एस्पेक्ट देखते हैं। सो मेथड टू स्टडी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल रिक्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। सो दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज नॉन एट हाइड्रोपोनिक्स। मान लीजिए कि मैंने कोई एक जार ले लिया, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रख दिए और उसमें प्लांट को मैंने ग्रो कराया। So this technique is called hydroponics. So this hydroponics is technique to find out the which type of minerals is required by the plant or not. And this method is essential elements for identify and their deficiency symptoms are discovered. इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से essential elements है जो plant उस चीज़ को absorb करता है और इसकी deficiency से क्या हो सकता है वो इस हाइड्रोपोनिक से हम पता कर सकते हैं। सो द हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक वॉज डिस्कवर बाय द जूलियन वॉन सैच, एक साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टेक्निक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को भी प्रोडक्शन करने के लिए किया जाता है। सो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, कौन कौन से एलिमेंट्स एसेंशियल होते हैं, तो फर्स्ट क्राइटेरिया है, इसके थ्री क्राइटेरिया हैं। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज द एलिमेंट्स मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ऐसे एनिमल्स जो कि बिल्कुल ही ज़रूरत है इनको नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और उनकी अगर कमी हो जाए, एब्सेंस ऑफ दिस एलिमेंट्स दे कैन प्लांट डू नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल, प्लांट अपना लाइफ साइकिल को कम्प्लीट नहीं कर सकता है। सो दे आर क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। द सेकेंड क्राइटेरिया इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड डू नॉट रिप्लेसबल बाई द अदर एलिमेंट्स। मान लीजिए प्लांट है कोई ये और इस प्लांट में कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की जगह मैं इसे अगर आयरन दे दूं तो कैल्शियम की कमी को ये पूरा नहीं कर सकता है। तो कैल्शियम इज़ कंसिडर द एसेंशियल एलिमेंट्स, मैं ऐसे एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ आपको। सो रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड डू नॉट रिप्लेसबल बाय द अनदर एलिमेंट्स। द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबोलिज्म ऑफ प्लांट, प्लांट के अंदर जितने भी मेटाबोलिक एक्टिविटी होती हैं उनमें डायरेक्ट इन्वॉल्व अगर हो तो उसे हम एसेंशियल एलिमेंट्स कहेंगे। एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो एलिमेंट्स देयर आर टू, टोटल 105 एलिमेंट्स आर देयर एंड 105 एलिमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट प्लांट्स एंड आउट ऑफ विच 30 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ईच प्लांट। मतलब कि 30 एलिमेंट्स तो जरूर ही एक प्लांट में हो सकते हैं। द 30 एलिमेंट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूड द एसेंशियल एज वेल एज नॉन एसेंशियल। तो उस 30 एलिमेंट्स में एसेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन एसेंशियल हो सकते हैं एलिमेंट्स। सो व्हाट इज़ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल? तो एसेंशियल एलिमेंट्स को हम फर्दर दो टीज में डिवाइड करते हैं। वन इज़ कॉल्ड मैक्रो एसेंशियल, अनदर इज़ कॉल्ड माइक्रो एसेंशियल। सो द मैक्रो एसेंशियल दे आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ग्रेटर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ द ड्राई वेट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सब सारे जो हैं मैक्रो एसेंशियल है। सिलिकॉन को रिसेंटली इंक्लूड किया गया है मैक्रो में। माइक्रो दे आर प्रेजेंट वेरी ट्रेस अमाउंट, ग्रेटर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ द ड्राई वेट, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सारे जो है वो किए गए हैं। निकल वगैरह को अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। सो दे आर मैक्रो एसेंशियल एंड माइक्रो एसेंशियल। Now elements are the minerals and non-minerals. So minerals they are absorbed directly by the plant from the soil. अगर plant कोई soil से, मतलब अपने जड़ से, root से, मिट्टी से कुछ चीज़ absorb कर ले, so they are called minerals. Non-minerals these are the taken from the water and air, like carbon, hydrogen, oxygen. So they are called non-minerals. नाउ द क्रिटिकल एलिमेंट्स, NPK आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है क्रिटिकल एलिमेंट्स। सो दिस एलिमेंट्स आर ऑलवेज डेफिशिएंट इन एग्रीकल्चरल सॉइल। जो भी हमारा मिट्टी है उस मिट्टी में नाइट्रोजन, P और K की हमेशा कमी रहती है।
सो दे आर कॉल्ड क्रिटिकल एलिमेंट्स बिकॉज दे शो द मैक्सिमम लीचिंग एंड देयर डिमांड्स बाय द प्लांट इज़ वेरी हाई. तो उनका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इनकी कमी रहती है. तो जनरल फंक्शन एंड कुछ हम फंक्शन देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स के. जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द फ्रेमवर्क एलिमेंट्स. दे आर एलिमेंट्स दे आर फॉर्म द कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल. प्लांट के सेल वॉल को बनाने में मदद करते हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो दे आर फ्रेमवर्क एलिमेंट्स. नाउ द सेकेंड फंक्शन ऑफ द एलिमेंट इज बैलेंसिंग एलिमेंट. अगर प्लांट के अंदर कोई टॉक्सिक इफेक्ट आ जाता है तो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करते हैं हैवी मेटल. सो दिस एलिमेंट्स न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ प्लांट विच इज़ ड्यू टू द हैवी मेटल और ड्यू टू द हाई कंसनट्रेशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट लाइक पोटेशियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. सो दे आर बैलेंसिंग एलिमेंट एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल. सो दे आर एसेंशियल एलिमेंट्स कैन बी ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल. एंड पोटेशियम प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ये बहुत बार पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है तो आप इसे ध्यान रखें कि पोटेशियम जो होता है ओपनिंग और क्लोजिंग में स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्पफुल होता है. अब हम कुछ रोल देखते हैं. रोल से क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन के क्या रोल है. सो द फर्स्ट दिस एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन अ मैक्सिमम क्वांटिटी. नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है प्लांट को. एंड दिस नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट पर्टिकुलरली द मेरिस्मेटिक टिश्यू. जो फास्ट ग्रो करते हैं टिश्यू उनके लिए बहुत ज़रूरत होती है. और जो मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू रहते हैं जो एपेक्स पे रहते हैं अपाइकल मेरिस्मेटिक अगर हम कहें तो उनको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. और डिफिशेंसी अगर हो जाएगी तो क्लोरोसिस ऑफ द ओल्डर लीफ. जो ओल्डर लीफ होते हैं जैसे मान लीजिए लीफ है यंग लीफ छोटा होगा क्लोरोलीफ बड़ा होगा. क्लोरोसिस का मतलब पीलापन हो जाना. जो क्लोरोफिल है वो लॉस हो जाएगा तो वो पार्ट जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा. तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि क्लोरोसिस और नेक्रोसिस में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉस्फोरस. तो दिस फॉस्फोरस इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी और एनएडीपीएच2. इसके बारे में बहुत हमने डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस में. तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखा है तो फोटोसिंथेसिस वाली वीडियो को जरूर देखें या यूट्यूब पे जस्ट आप टाइप कर देंगे फोटोसिंथेसिस बाय डॉक्टर एस के सिंह तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा. सो इट इज़ अ लिमिटिंग एलिमेंट्स बिकॉज इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म इन अ सॉइल. सॉइल के अंदर फ्री फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं इसलिए बहुत लिमिटिंग में रहते हैं. दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन बनाने में सर्टेन प्रोटीन को करने में और न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड को बनाने में मदद करते हैं. और उनके डिफिशेंसी से क्लोरोसिस भी हो सकता है और नेक्रोसिस. नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ द टिश्यू. आपको इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से पता चल जाएगा. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस पूरा एरिया जो है मतलब लीफ का पूरा डेड हो चुका है. तो डेथ ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड नेक्रोसिस. क्लोरोसिस आप देख पा रहे हैं ये लीफ पूरा पीला हो चुका है बाकी ग्रीन है. सो दिस इज़ क्लोरोसिस. तो क्लोरोसिस जो होगा इसमें फर्दर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट में सुक्रोज और स्टार्च की कमी हो सकती है. सो पोटेशियम. नेक्स्ट हम पोटेशियम की बात करते हैं. तो पोटेशियम जो प्लांट है K+ आयन में एब्जॉर्ब करता है. सो दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मोर अबंडेंट क्वांटिटी इन मेरिस्मेटिक टिश्यू जो बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवाइड करते हैं बर्ड्स लीव्स एंड रूट टिप. क्योंकि रूट को पेनिट्रेट करने में मदद करेगा ये पोटेशियम. दे आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड दे मेंटेन द टर्जिटी ऑफ द सेल एंड प्रोटीन सिंथेसिस. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. टर्जिटी ऑफ सेल्स जो सेल बिल्कुल फूल जाते हैं तो ये मेंटेन करता है हमारा पोटेशियम. और इसकी कमी के कारण वही सेम लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस मतलब प्लांट बड़ा नहीं हो पाएगा एंड शॉर्ट मतलब बुशी हैबिटेट हो पाएगा छोटा रह जाएगा प्लांट. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैल्शियम. तो कैल्शियम प्लांट एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन. कैल्शियम आयन के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है एंड दिस इज़ हेल्प इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट. जब वाटर जो होता है लाइट के प्रेजेंस में 2H+ + 1/2 O2 में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट इज़ कॉल्ड फोटोलिसिस. एंड उस फोटोलिसिस को कैल्शियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करता है. दूसरा मैग्नीज जो होता है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फोटोलिसिस में. सो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इट इज़ यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल. कैल्शियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल वॉल एंड मिडिल लेमिना को बनाने में मदद करता है हमारा ये कैल्शियम. एंड दे ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल.
आप अगर आपको याद होगा कुछ सेल साइकिल आपने पढ़ा होगा, तो मेटाफेज में सारे जो क्रोमोसोम होंगे इक्वेटर पे अलाइंड हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो होता है इस चीज़ को इससे अटैच कर लेता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ कॉल्ड माइटोटिक स्पिंडल। सो दिस माइटोटिक स्पिंडल आर फॉर्म एंड दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अगर इसकी डिफिशेंसी हो जाएगी तो क्लोरोसिस और नेक्रोसिस ऑफ द यंग लीफ होगा एंड डेथ ऑफ द रूट टिप भी हो सकता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या यूज़फुल है? सो प्लांट एब्जॉर्ब मैग्नीशियम एज अ डाई वेलेंट मैग्नीशियम आयन। दे हेल्प इन एंजाइम फॉर द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम। एंड मैग्नीशियम इज कॉन्स्टिट्यूट द रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल देखेंगे तो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये भी AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है। एंड दे मेंटेन द राइबोसोमल स्ट्रक्चर। एंड डिफिशेंसी लीड्स टू द क्लोरोसिस ऑफ द लीफ एंड ग्रे स्पॉट हो जाएगा। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बहुत क्विक रिवीजन जैसा है, तो आप बार बार इसे चला के देखेंगे तो याद हो जाएगा। लाइक ए मूवी, हम मूवी को बार बार देखते हैं तो उसके डायलॉग को याद हो जाता है। ऐसे वीडियो को आपको चला चला के देखना है और ध्यान से देखना है, तभी आप याद कर पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें, नेक्स्ट वीडियो भी जल्द से जल्द आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और लाइक करने के लिए आपके पास कोई पैसे देना नहीं होता, तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। शेयर करने के लिए भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है, शेयर ज़रूर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि उन लोगों के पास पहुँचे जिन्हें वाकई इसकी ज़रूरत हो। बहुत सारे रूरल एरिया में बहुत सारे टीचर नहीं मिल पाते हैं, तो उन बच्चों तक आपको पहुँचाना है। आप सबकी ये ड्यूटी है, उन सबको अच्छे से एजुकेट करना है, ये आपकी ड्यूटी है। सो आपने शेयर किया, इसका मतलब बहुत बड़ा एक एहसान किया उन व्यक्ति को, उन स्टूडेंट को, जो कि वाकई बहुत ही इस चीज़ को नहीं ले पाते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर द सपोर्ट एंड लव। थैंक यू सो मच।